नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गाड़ी लूटने वाली गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार। घर में घुसकर किया युवती पर एसिड अटैक, हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र का मामला। आरोन में हुआ कथा का आयोजन, दूसरे दिन हुआ शिव पार्वती विवाह का सुंदर वर्णन। उज्जैन में राजपूत करणी सेना ने भरी हुंकार, आरक्षण को खत्म करने की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने ब्लू डार्ट कॉरियर कंपनी से करोड़ों की चोरी और कॉरियर कंपनी की गाड़ी लूटने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गढ़मुक्तेश्वर द्वारा सफल अनावरण किया गया है। ये गैंग ब्लू डार्ट जैसी प्रतिष्ठित कुरियर कंपनी से जो माल मुरादाबाद बरेली की तरफ जा रहा था, उसको इन्होंने लूटने का प्रयास 9 तारीख को किया था, किंतु ये सफल नहीं हो पाए थे। इस केस में एसओजी टीम बी के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र और उनकी टीम द्वारा बहुत ही मेहनत की गई, यहाँ से लेकर दिल्ली तक उसमें मेहनत की गई। एक एक चीज़ उनके द्वारा देखा गया, सीसीटीवी फुटेज देखी गई और तमाम सारी चीज़ें देखी गई। उसके बाद इसके गैंग के जो सदस्य हैं और इसका जो सरगना है, वहाँ तक पुलिस टीम पहुँच पाई। इस गैंग का जो मुख्य आरोपी है, सरगना है, वो रितेश है, जो कि कार्गो में टर्मिनल 2 पर कुरियर जो कंपनी है उसमें काम करता है। इसके द्वारा ये बताया गया कि इसमें हाई वैल्यू के कुछ क्या कहते हैं सामान हैं, परिसंपत्तियां हैं जो कि परिवहन की जाती हैं। अगर उनको आप लोग इसे कर लोगे तो इसमें करोड़ों रुपया मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद इन लोगों ने इसे प्लान किया और प्लान करने में जो मुख्य भूमिका दूसरे नंबर की रही, वो महेंद्र है, जो कि बिजली का काम करता है, उसकी एक छोटी सी दुकान है। उसी ने गैंग के अन्य सदस्यों को जोड़ा, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। इससे पूर्व भी इनके द्वारा 2 बार और प्रयास किया गया था, किंतु उसमें सफल नहीं हो पाए थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के सिंभावली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवक ने युवती पर एसिड अटैक किया। हादसे के बाद काफी गंभीर हालत में युवती को अस्पताल ले जाया गया। बता दें, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही हापुड़ कप्तान सहित पुलिस के आला अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। आज शाम को 7:30 बजे सिंभावली थाना क्षेत्र में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, जिस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके मुख्य अभियुक्त रोहिल को गिरफ्तार किया है। रोहिल घायल अवस्था में है, इसको अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इसका उपचार चल रहा है। इसकी स्थिति सामान्य है, आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री सनातन धर्मशाला मैदान आरोन में कथा का आयोजन किया गया। इसी के दूसरे दिन रत्नेश महाराज ने कथा सुनाई, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बता दें, कथा के दूसरे दिन शिव पार्वती विवाह का सुंदर वर्णन किया गया, जिसे सुन सभी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में झूम उठे। खड़ा स्टेडियम से दशहरा मैदान तक करणी सेना ने रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में समाज जन शामिल हुए। यहां उज्जैन और इंदौर संभाग से करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ ही देश के कई प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। यहां मुख्य तौर पर करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और प्रदेश अध्यक्ष कु शिवपाल चौहान रैली की अगवानी कर रहे थे। महाकाल की धरती पर पहली बार एक जो छोटा से अणु के रूप में श्री राजपूत करणी सेना है, उसके संगठन को अणु बम का रूप देते हुए आज मातेश्वरी के आशीर्वाद से चित्तौड़ में पद्मावत वाले मामले के बाद में उज्जैन की धरती पर पहली बार मांग कुछ भी नहीं है, हमारी अधिकार है, हमारा अधिकार मांगे से मिलते नहीं है, अधिकार हम छीन लेते हैं। पिछली बार जब ये बात चली थी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से हमारा बैर नहीं, राजस्थान में हमने करके दिखाया, मालवा में भी ये महसूस कराया, आज ये उज्जैन है, चुनाव है नहीं, हम न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के खिलाफ, हम न पक्ष है न विपक्ष, निष्पक्ष है, और हम ये चाहेंगे समाज को समझो, इस राजपूत के समाज को अगर नहीं समझोगे तो हमें समझाना आता है, और जब हम समझाने पर उतरते हैं, देख लीजिए एक संभाग की मीटिंग है, एक संभाग की मीटिंग है,
एक संभाग की मीटिंग है और संभाग अगर इस तौर पर उलट रहा है इस कोरोना के पूरे 15 महीने बाद, तो आप महसूस कर लीजिए अगर हम जोर से हुंकार भर दें तो भूकंप नहीं आ जाएगा। आज चाहे आरक्षण का मामला हो, जो कोई भी मामला हो, चाहे जातीय भेदभाव का मामला हो, जो कोई भी मामला हो, हर उसमें राजपूत को बहुत कमतर आंका जा रहा है। सभी संगठन चाहे वो कोई से भी संगठन हो, हमारी मांग है जैसे जनरल की सीट पे जनरल को, जनरल के अलावा सभी को लड़ाया जाता है, जब ऐसी खूब सारी हमारी मांगे थी उसमें हम लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से एक विकल्प हो जाए पूरे देश के लिए कि हम लोग इसके लिए, हम किसी जाति बिरादरी के हम लोग खिलाफ में नहीं है, हम चाहते हैं कि समानता के अधिकार जो हमें संविधान देता है उस समानता के अधिकार के तहत क्षत्रिय समाज स्वर्ण समाज को भी समानता का अधिकार मिले, न कि ये जातिवादी जो आरक्षण है, जातिवादी जो व्यवस्थाएं हैं उसके कारण से ये जो आपस में जो जातियों में वैमनस्य पैदा हो रहा है वो खड़ी हो। हम चाहते हैं, हम सभी 3600 बिरादरी के साथ चलने वाले लोग हैं, पर इसी ऐसी व्यवस्था को क्यों शासन प्रशासन डेवलप करना चाहती है हमें नहीं मालूम उसके पीछे क्या मंशा है। इसके 70 सालों से क्षत्रिय समाज इसको भुगतता आया है, पर अब हम लोग जो युवा लोग हैं जो आरक्षण का दंश से आरक्षण जैसी बीमारियों का, एट्रोसिटी एक्ट जैसी बीमारियों का, कोई एससी के लोगों ने, कोई एसटी के लोगों ने, कोई दलित समाज ने कभी ऐसी मांग नहीं करी कि एट्रोसिटी एक्ट को इस तरीके का बनाया जाए। खुद क्यों सरकारी किसको राजी करना चाह रही है कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।